वे है hmm. जिससे हम अपनी गाइडेंस ले सकते हैं लोग अपने एक, एक किसी पाथ पे जिस पाथ पे वो लोग कंफ्यूज फील कर रहे हैं दे कैन हैव अ गाइडेंस रिलेटेड टू और आप अपने को बोल सकते हो कि मेरे को एक जनरल रीडिंग चाहिए कि मतलब अभी मेरी लाइफ में आगे क्या है okay. आप ऐसे भी पूछ सकते हो okay. बाकी uh, वट आई हैव लाइक गिवन इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक कि मेरे साथ ऐसे जो मेजर केसेज आए हैं तो वट पीपल यूजली uh, गेट कन्फ्यूज कि जब उनका करियर बात होता है खास तौर पर तो दे आर लाइक ये आर मेरा आगे मतलब एवरीबडी आज के टाइप में ना जो मिलेनियल्स हैं या जो भी कहें तो ना हर कोई नाइन टू फाइव के जॉब से एक uh, मेजर शिफ्ट लेना चाहता है तो एवरीबॉडी इज मोर इन कि यार मेरे को जॉब तो कर मतलब ठीक है आई एम स्टक हेयर बिकॉज ऑफ लाइक एवरीबॉडी नीड्स दैट रोलिंग पे बट सबको एक चाहिए कि यार मैं एंटरप्रेनर जो आजकल वो एक है सबको वो एक ज़ील देता ही है राइट तो पीपल कम अप कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है एक okay. और आपको इसी चीज़ से रिलेटेड केस बताती हूँ कि जब कई लोग ठीक है एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात कर रहे हैं जी. तो कई लोग जैसे रिश्ते आए किसी के पास एक या दो या तीन okay. ठीक है या फिर आप ये कह लीजिए कि आजकल तो एक या दो फेस भी साथ साथ चल रहे होते okay. ठीक है ना okay. तो ऐसे में क्या होता है कि हु इज बेस्ट फॉर यू भी टली मेरे पास एक लव मैटर्स बेसिकली लव मैटर्स में भी तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके लिए बेटर आपको पता होता है कि आप जब आप गाइडेंस दे रहे हो ना तो आप उनको बताओगे कि इस वाले पर्सन के लिए आपके साथ ये ये फीचर्स मैच करेंगे और इस पर्सन के लिए ये ये फीचर्स मैच करेंगे सो यू कैन डिसाइड बेटर कि अब आपको किसके साथ

देम okay. नो well like, uh, कि देखो एक चीज में में दोनों में आपको अगर अच्छे दिख रहे हैं बट आपको पीस ऑफ माइंड किस में मिल रहा है hmm. कि ठीक है आप अभी जॉब में जा रहे आप जॉब कर रहे हो लेकिन अगर आप बिजनेस में जम्प करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पीस ऑफ माइंड उतना मिले मे hmm. बी आपके लिए वो जो काज आए हैं वो आपकी फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छे होंट okay. right. तो इट विल बी अ गाइडेंस टू अलॉन्ग विद इट कि आपके जो कार्ड हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि जॉब जो है अभी आपकी चाहे जैसी भी चल रही है सी आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द केसेस ठीक है ना तो उसमें ये होगा कि जॉब अगर अभी कैसी भी चल रही है तो मे बी आगे और अच्छी भी हो बट mm. ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में आ, मैं उस केस में यही बताऊँगी कि ऐसा नहीं था कि उनका बिज़नेस में अच्छा नहीं था उनका बिज़नेस भी अच्छा था बट पीस ऑफ माइंड उनकी जॉब में ज़्यादा अच्छी थी ओके तो नाउ हिज हिज कॉल कि उसको क्या लेना है ओके ठीक है ना hmm. कि मतलब फाइनेंसिस दोनों में अच्छे हो जाएंगे ओके ओके दैट दैट चॉइस इज अ टफ चॉइस टफ चॉइस कि अब आप, hmm. आपको मतलब ठीक है मैंने आपको बता दिया कि दोनों आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं hmm. लेकिन आपके लिए पीस ऑफ माइंड भी इक्वली इंपॉर्टेंट अगर है hmm. या आप चाहते हो कि यार मेरे को ये 9 टू 5 की झिकझिक नहीं चाहिए या ये सब जो चीजें चल रही हैं नहीं चाहिए उसके okay. okay. so, like, like, उसके बाद बाद भी भी आप आप और और लेते लेते हो। हो okay. क्या? उसी में भी आप आके और लेते हो कि ठीक है अगर मैंने किया, मेरा ये वाला बिजनेस मैं सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन हो जाते हैं so, right? भविष्य में, में क्या होने वाला है या पॉसिबिलिटी

और वो होती थी स्पर्श हीलिंग स्पर्श चिकित्सा जिसे कहते थे okay. तो उस चिकित्सा में ऐसा मतलब फिर फाइनली वो जो हीलिंग थी वो तिब्बत क्रॉस हुई okay. तिब्बत के बाद वहाँ पे जो इन्वेजन्स हुए उसके बाद चाइनीज इन्वेजन्स हुए थे तो फाइनली इंडिया ने उनको जो आम, रिफ्यूजी दिया पना दी इंडियन गवर्नमेंट ने तो yeah. फाइनली वो हिमाचल और लद्दाख में आके वो लोग लो सेटल हुए राइट right. तो वो एक हीलिंग है जो बुद्धिस्ट हीलिंग है ओके okay. राइट right. लामा फेरा एक टू वर्ड है लामास के नहीं कहते हैं सो आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड व्हेन आई गॉट इनटू योर स्टूडियो कि मैंने देखा यहाँ पे आपके पास जो पेंटिंग्स हैं उसमें है दो यू डोंट बिलीव इट ठीक है बट आई बिलीव इट ओके यू डोंट बिलीव इन ही इट इज सो मतलब जो लामा फेरा जो लामाज होते हैं वो Uh, इस हीलिंग को आगे ले जाते हैं जो बुद्धिस्ट जो एग्जैक्टली exactly इस चीज़ को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं वो लोग ग्रामर्स कहलाते हैं okay. और लामा फेरा स्पेसिफिक हीलिंग जो है ये डॉक्टर ए के सैनी इंडिया में कम्प्लीटली uh, इसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था okay. और ये बेसिकली सिंबल्स से रिलेटेड है ओके okay. ठीक है और कॉस्मिक एनर्जी को हम सिंबल्स के थ्रू कैसे एनहेंस करते हैं और लोगों के बेटरमेंट के लिए लोगों की हीलिंग के लिए कैसे काम आती है ये वो हीलिंग है एनर्जी okay. अगर हम आसपास अपनी एनर्जीज भी अगर हम देख रहे हैं डू यू फील एनर्जी इज देयर डू यू नो फिजिक्स एनर्जी इज देयर राइट एनर्जी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर हम फिजिक्स uh, से थोड़ा हट के बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको फील होता है कभी कि आज आप uh, कहीं पे भी आप गए हैं तो कैन यू फील दैट यू आर फीलिंग लो एट टाइम्स एंड यू आर फीलिंग हाई एट टाइम्स या फिर आप अगर अब सॉन्ग्स की बात कर लें कुछ सॉन्ग सुनने के बाद यू फील वेरी मच डिप्रेस्ड ऑल ऑफ अ सडन और कुछ सॉन्ग सुनने के बाद आप ऐसे बहुत ज़्यादा जील फील करते हो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हो सो देर इज़ अ शिफ्ट इन दी एनर्जी ओके ठीक है अब जो कॉस्मिक एनर्जी है वो एनर्जी है कि जो यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जीज हम फील करते हैं ठीक okay. है जो हमारे लिए एक आ, है अगर हम उस चीज को आ, एक डायरेक्शन दे देते हैं ठीक okay. है तो अब ये एनर्जी को अगर हम डायरेक्शन देते हैं इन मंत्रास और सिंबल्स के थ्रू और वो हमारी हीलिंग करती है okay. वट आई एज इनिशियली सेट पीपल डू कम अप फॉर मी कि मैम आपके चैनल पर हीलिंग होती है तो मुझे हीलिंग करानी है बट आई डोंट गो जाम पेंट टू की ठीक है आप हीलिंग बुक करा लो नो आई ऑलवेज टेल दम कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है yes. कि उसका सोल्यूशन है भी या नहीं है बिकॉज आई हैव सीन पीपल आर जस्ट लाइक कि ठीक है उनके वेबसाइट्स बने हुए वे हैं आई नॉट नेम देम बट वेबसाइट्स बने हुए आप हीलिंग बुक करा लो hmm. ऐसा नहीं होता है ठीक है आपको पता भी होना चाहिए कि उनकी हीलिंग नीडेड भी है या नहीं है mm -hmm. तो आई से कि अगर ठीक है अगर आपको कोई मतलब इफ़ दे आर गोइंग ट्रामा फॉर लाइक बेसिकली फॉर सो फार आई हैव बीन डीलिंग मेजरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और पीपल आर गोइंग थ्रू द डिप्रेशन एनजाइटी सैडनेस और उनके केसेस हैं कि ठीक है इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन आ कोई ट्रेजिडी हो गई उनके या uh, रिम डिमाइस yeah. हो गया से भी नहीं उभर पाती दे mm. गेट्रेस्ड और बच्चों का तो उसमें भी मैं ये नहीं कहती की आप डायरेक्टली ही पुट अप पता क्या होता है कि ना एक हिडन एक एनर्जी मतलब एक हिडन हमारा और होता है कि हम यार साइकैट्रिस्ट का तो नाम भी सुनना बेकार है हमारी जो सोसाइटी है राइट स्टिग्मा तो, है स्टिग्मा है एक तरीके का ठीक है तो एंड आई हैव डन अ साइकोलॉजी कोर्सेज टू ओके तो मैं वही मैं साथ में साइकोलॉजी काउंसलिंग्स भी लेती हूँ खाली हीलिंग के साथ ऐसे बिकॉज द डैट इज नीडेड कि आपका जो आप हीलिंग दे रहे हो वेदर इट्स गेटिंग ऑन राइट पाथ और नॉट और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपका क्लाइंट है वो बिकॉज इट ही कैन ईजिली गो बैक बैकडाउन इंटू डिप्रेशन और वट एवर द केसेस तो ये बहुत नीडेड होता है कि आप काउंसलिंग के सेशंस भी खाली आप हीलिंग देते रहोगे और आप उसके साथ रैपो नहीं मेंटेन करेंगे आपको पता नहीं लगेगा राइट right. दूसरा जो स्टिग्मा की बात कर रहे हैं ना तो जब आपके पास कोई क्लाइंट यहाँ पे ये आता है मोस्टली क्या होता है या तो उनके आसपास वाले आते हैं कि या मेरा भाई इस चीज में है या मेरी नोन है उसमें है मेरी फ्रेंड है इसमें है तो क्या उसके लिए तो क्या होता है कि उनके पास यहाँ पे स्टिग्मा नहीं लग रहा है एक सिकाट्रिस्ट का दे आर इजी अप्रोचेबल हेयर बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट हील्ड बट वो साइकेट्रिस्ट वाला स्टिग्मा नहीं लेना चाहते हीलिंग एक ठीक है यार मतलब यहाँ पे मैं ना ये बाबा झाड़ा वाला भी स्टिग्मा नहीं लेना चाहते लोग राइट hmm. right? क्योंकि हम वो हम वो को स्टिग्मा आता है कि वो पेरेंट्स हमें झाड़ फूक वाले के पास ले गए थे वो भी एक स्टिग्मा है एक तरीके से फैमिलीज में राइट yeah. right? तो ये एक है कि आप एक पीसफुल एनवायरमेंट में आपको एक गाइडेंस मिल रही है विद हीलिंग नाउ बाउंसिंग बैक टू टैरो हम्म कैन यू टेल मी द हिस्ट्री बिहाइंड इट फर्स्ट एंड द लॉजिक बिहाइंड इट तो हिस्ट्री है कि ये सबसे पहले इटली में आ, इन्वेंट हुए थे ये कार्ड्स okay. और तब भी एज अ प्लेइंग कार्ड्स भी यूज होते थे और फाइनली फिर इस पे पिक्टोरियल्स एंड सिंबल्स जिसके बेसिस पे आ, पीपल कम आउट विद द गाइडेंस और द प्रेडिक्शंस okay. ठीक है तो अब व्हेन वी टॉक अबाउट कि अब मैं टैरो रीडिंग कैसे करती हूं ठीक है ना अगर हम उस पर डायरेक्ट जाते हैं किसी के अपने रूल्स हैं सी एवरीबॉडी हैज देयर ओन गुरु ओके ठीक है ना तो जब मैंने सीखा है उसके बाद भी ना आप अपनी चीजें देख स्पिरिचुअलिटी uh, या uh, जो एनर्जी कॉलिंग्स है ना ये आपको अपने आप बहुत चीजें गाइड करती है ठीक है ठीक है आपके गुरु ने आपको बहुत चीजें गाइड करी आपको एक रास्ता दिखाया बट उसमें भी आप को क्या और चीजें बेटर लग रही हैं आपकी रीडिंग्स और बेटर कैसे आ रही हैं आप उसमें कितना और पॉजिटिविटी कैसे ला पा रहे हो तो वो एक बात अलग से और डेवलप होता चलाता था था विद कि जैसे आप पहले कार्ड्स को क्लेंस कैसे करना है क्लास के साथ आपने कैसे भी आ, रिलेट कैसे करना है कार्ड्स को अपने अपना कैसे बनाना है उस चीज के लिए भी सबके लिए एक प्रोसेस है When did Uh, that's like uh, still a mystery thing because it's just written ki people uh log, uh cards ko uh, change kia with the pictures, and then it went to the uh tarot reading. Okay. Uh, it's kind of uh like ki ek phase uh um hazy line discriminatory line kib essay but it's that's the only thing which is written with what we have started. But uh वट आई फील लाइक कि टैरोज गिवन मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इन माई ओन लाइफ सो एक जो झील होता है कि आप क्या करना चाहते हो एक पैशन और एक मतलब इट्स नॉट लाइक कि अगर मेरे पास टैरो है तो मैं अपने लिए डेली टैरो रीडिंग करूंगी टैरो काट्स निकालूंगी न Okay. but just sitting with them and uh, even when i am doing my meditation i meditate with my cards okay so have you ever done meditation yeah you meditation energy feel different feel hua yeah. different feel hua saath meditation ke different hmm. experiences reh uh, meditation. one of them was when i or but uh, i sat down for like a few minutes Uh, जिसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी गाइडेड मेडिटेशन के तरीके अलग हैं तो जो मेथड मैं फॉलो कर रहा था विच वाज नो शो गाइडेड मेडिटेशन सो उसके अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग टेक्निक्स दिखाई थी तो मेरे पास दस अलग अलग टेक्निक्स थी जिनको मैंने फील किया था फर्स्ट ऑफ वन ऑफ देम वॉज टू सिट स्टिल इन वन प्लेस एंड इट वॉज टू लेट गो ऑफ योर फिजिकल सेल्फ तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया था दैट आई फेल्ट फिजिकल लेस बेसिकली आई फेल्ट वेट लेस एंड वो मैंने प्रैक्टिस जब दो तीन हफ्ते तक किया था तो देर वॉज अ मोमेंट वेन आई वेन वॉट ही सेज ही सेज अब अपने आप को अपने सामने खड़ा देखो सो आई एक्चुअली व्यूड माई सेल्फ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गॉट अवे फ्रॉम माई सेल्फ इट इज़ ऑफकोर्स अब साइंस उसके पीछे क्या है वो मैं नहीं जानता बट आई फेल्ट समथिंग लाइक दैट एक बार ये हुआ है वन टाइम वॉज वेन आई वॉज फोकसिंग ऑन माई ब्रीथिंग एंड आई वेंट डीप एंड आई कुड हियर समथिंग इन साइड और वो वो आवाज uh, सिमेंडर गया था उस टाइम okay. भी मैं वेटलेस था, मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना तो uh मेडिटेशन -huh. so, uh, uh, एक चीज़ जरूर कर देती है जब भी मैं करता हूँ तो इट जस्ट मेक्स मी वेटलेस इन माई ओन ब्रेन मी वेरी रिलैक्स दैट इज वन पार्ट ऑफ मेडिटेशन तो दिस इज़ लाइक यू आर कनेक्टिंग विद अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी विच यू आर एक्चुअली मिसिंग वैन यू आर आप जब डेली के अपने कामों में कर रहे होते हैं तो आप वो जो एनर्जी मिस आउट कर रहे होते हैं डेली की इससे आपकी एनर्जी एनहानस हो जाती है ओके okay. ठीक है तो जब मैं मेडिटेट करती हूँ मैं अपने कार्ड्स के साथ भी मेडिटेट करती हूँ एंड अभी एक बहुत रिसेंट वाला था आई आई यूजली डू मेडिटेशन विद माई कैंडल्स ऑल्सो कैंडल्स और काट्स

ओके यू जस्ट पुट अप द क्वेश्चन अगेन मतलब मैं काट्स के साथ एनर्जी फील करती हूँ मतलब आई एक्चुअली लेट देर आर कार्स जिसमें एक्चुअली में जो बहुत पॉजिटिव और हाई एनर्जी कार्ड्स हैं जो टैरो में सेवेंटी एट कार्ड्स होते हैं ठीक है तो जो उसमें ट्वेंटी टू होते हैं वो मेजर आरकाना होते हैं और जो फिफ्टी सिक्स हैं वो माइनर आरकाना है तो जो उसमें मेजर आरकाना कार्ड्स हैं उसमें जो कुछ कार्ड्स हैं दे आर लाइक वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड दे आर लाइक अ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स ठीक है तो जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और स्पेशली ऑन ब्लू न्यू मून और फुल मून तो आप मै मतलब मैंने अपना कैंडल्स ऑल्टर पूरा सेट कर रखा है विथ कार्ड्स टू एंड यू वोट बिलीव आई वॉज़ इन अ काइंड ऑफ ट्रांस वेन आई वॉज कीपिंग माई हैंड्स ऑन दोज कार्ड्स ऐसे मैंने ना मतलब फोर कार्ड्स फोर टू सिक्स कार्ड्स थे आई स्टिल रिमेंबर तो जो दो कार्ड्स थे वो मैंने ऐसे बाद में नीचे ऐसे सेट करे एंड आई मैंने अपने हैंड्स रखे आई कुील द एनर्जी एंड आई मेडिटेटेड अगेन फिर आई गॉट लाइक एवरीबडी हैज दपैसिटी टू सिट फॉर सम टाइम एंड देन ठीक है मतलब जैसे फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स हो गए फिर आधा घंटा भी आपने मतलब ब्रेक लेके फिर दोबारा आधा घंटा किया बिकॉज जो आप आ, टी आ, एक तो टी लाइट से आप करते हो दूसरा जो टेपर कैंडल्स होती हैं वो भी जलाते हो तो जब टेपर कैंडल्स जलाते हो तो आई ट्राई टू सिट विद विदमे वट एवर टाइम दे आर बर्निंग तो इसमें ये फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स हुए फिर ब्रेक होके okay, फिर हाफ एन आवर का मेडिटेशन भी हो गया देन यू वॉन्ट बिलीव आई टुक मतलब दर इज माई फ्रेंड आई कॉल्ड हर कि ठीक है um, uh, मेरा ये हो गया है मेडिटेशन एंड जस्ट वी वर जस्ट हैविंग नॉर्मल टॉक वहीं बैठ के देन आई इमीजिएटली सेट कि नो आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई अगेन देर वो सम एनर्जी कि आई डोंट वॉन्ट टू गो कि मेरे को उस चीज से छूटना नहीं है आई वॉन्टेड आई वॉज रियली एंजॉइंग बट एक बैक ऑफ द माइंड में होता ना कि आपने वो कॉल किया नहीं है वो कॉल करके खत्म करो एंड आई वॉज बैक ऑन माई एनर्जी

ओके okay. और जो आ, हम मेडिटेशन करते हैं तो जब सबसे पहले आपने जो बात बोली थी कि आपने साउंड हियर किया था व्हाट पर्सन मतलब दिस इज समथिंग एड ऑन टू दी व्हाट पीपल विल मई गेटिंग कि वो हम हार्ट साउंड सबसे पहले लबड जो हमें सुनाई देने लगता है जब हम साइलेंस में जाते yeah. हैं और उसके बाद हमें हमारे जो ब्लड फ्लो के साउंड्स हैं वो सुनाई देने हैं और उसके बाद फिर और इंटरनल साउंड सुनाई देने लगते हैं

विद okay. ठीक है फिर नाउ हेयर अगेंस्ट जो आपने बोला कि सब लोग यही चीज फॉलो करते हैं सी आई वर्क विद माई एंजल्स मतलब मैं अपने मेरे जो मतलब कह लीजिए गाइडेंस जो मुझे मिलती है yeah. कि अब शफलिंग बंद हो जाए okay. अब और शफलिंग नहीं करनी ठीक है।, है कभी कभी क्या होता है कि देर इज अ वे कि जैसे हमें सिखाया कि आप नॉक करके आप ऐसे अदर uh, पर्सन को बोलेंगे कि या तो आप डेक को साइड कर लीजिए या सीधा टैप कर दीजिए बट देर इज लाइक कि अब ये मेरी कॉलिंग है कि मुझे बोला गया कि नहीं आप इसको बस स्प्रेड कर दो okay. आप कार्ड्स अप करो अदरवाइज कार्ड्स को स्प्रेड मत करो आप खाली ऐसे अनफोल्ड कर लो जो पहला कार्ड आ रहा है दैट इज योर गाइडेंस ठीक है अब एक और चीज़ जो आपने बहुत बोली कि कार्ड्स कैसे प्रिडिक्स कर सकते हैं राइट इट्स लाइक कि uh, अगर मैं एक आ, इस पे थोड़ा सा आ, अलग जाके एक बात करूं कि अगर मैंने आपने मुझसे कोई सवाल पूछा आपका सपोजिटली जो कार्ड आया है जो तीन कार्ड है उसमें से बाय जस्ट जो एक कार्ड आपका आया वो किसी और का भी आया बट hmm. जो मेरी रीडिंग है वो आपके लिए अलग होगी और उनके लिए अलग होगी ऐसा क्यों ऐसा क्यों बिकॉज़ इट्स मोर ऑफ द इंट्यूशन एंड द एनर्जी इट्स नॉट जस्ट द कार्ड्स स्पीक सो देन डजंट

मैंने आपको वो पहले बताया कि नहीं ऐसा नहीं है आप जनरल जनरल आप रीडिंग भी ले जनरलोरेंट okay, uh, uh, mm -hmm. uh, मैंने आपको बताया कि वेरी इग्नोरेंट पर्सन तो मैंने लामा फेरा कभी नहीं सुना था मैंने आपसे सुना था प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रेकी हिलिंग एंड लामा फेरा जो रेखील है वो जापानीज हीलिंग टेक्निक है और ये डॉक्टर मकाओ उसे ने आ, इसे भी कई लोग कहते हैं कि री किया था ये भी इंडिया से गया था okay. और कई लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट करते हैं कि ये भी एक आ, जो लॉर्ड बुद्धा का जो टेक्निक था उसी को री किया सो सी हिस्ट्री इज लाइक सो वेग कि आप उसको पता नहीं किस एंगल तक आप ट्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते सो so, आई एम नो वेरी स्मॉल पर्सन टू कमेंट ऑन कि वो क्या सच है क्या झूठ है राइट yeah. right? तो आ, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तो इंडिया में मतलब अच्छा हम रेकी की बात करते हैं रेकी में ऐसे लेवल्स हैं और उसमें भी आपके सिंबल्स हैं और सिंबल्स के थ्रू आप एनर्जी को लेते हैं और कॉल करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को और इम्पार्ट करते हैं जिसको भी आपको देना है hmm. ठीक है आ, Am I clear? अभी तक अभी को समझ में आया कि आप कॉस्मिक एनर्जी को उसमें भी हैं हाँ, uh, जो uh, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि रे, रेकी इज बेटर या लामा फेरा इज बेटर मतलब ऐसा नहीं है इट्स whatever modality of ऑफ हीलिंग यू आर फीलिंग मोर कनेक्टेड आप उसके साथ जाते हो okay. दोनों में हीलिंग techniques ही हैं my फादर इज अ हीलर रेकी healer

Uh, एक साइंस है या एक सूडो साइंस है एस्ट्रोलॉजी जो गाइड करता है कि आपके स्टार्स के हिसाब से आपकी लाइफ चलती है जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ वॉट गाइड्स यू इन योर लाइफ एंड इसके बियॉन्ड एंड अब कुछ नहीं है एंड दिस इज़ वे योर लाइफ बेसिकली कम्स इन एंड यही है जो है एक पार्ट आ जाता है जहाँ पर हम टैरो में गाइडेंस में आ जाते हैं एक होता है जहाँ हमें लगता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड हीलिंग ऑफ सम सॉर्ट माई सोल और माई

कर्मा इज इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर आप अपने कर्म अच्छे कर लेंगे कर्मा इज कंट्रोल कर लेंगे वही आपके कर्म कर... की तो डेफिनेशन ही नहीं है ना कोई आ, किसी का बुरा नहीं, नहीं, नहीं कर रहे किसी आ, का बुरा नहीं करेंगे आपके कॉन्शियस में वो अच्छा कर्म है Okay. और मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ हीलिंग लेंगे आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे नो दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हाँ अब समझ गए थे ना मैं हाँ, हाँ। जी कर रहा हूँ हाँ।, हाँ तो मैं जब अब साइकेट्रिस्ट वाली बात भी करती हूँ कि कई लोग जो स्टिग्मा नहीं ले पाते उस चीज़ का तो एक वहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें नहीं जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास ठीक है वो एक बहुत मेजर केसेस होते हैं वो बहुत अलग केसेस है बट जो एक साइकोलॉजी और साइकैट्री में भी बहुत डिफरेंस है

एंड वेन दे से आज हम मॉडर्न सोसाइटी में जब रहते हैं तो हमारे हर तरीके का स्ट्रेस है साथ की सोसाइटी हमें बीट डाउन करी है वो अलग है चैलेंज ओवरकम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है सक्सेस का बहुत बड़ा डेफिनेशन है सबकी like सब तो, तो लोग तो, इसी से ही ओवरकम नहीं कर पाते काफी पीड़ित है टोटली तो लोग कहते हैं सबको थेरेपी की जरूरत है बट क्या सबको हीलिंग की भी जरूरत है आई से यस एटलीस्ट मतलब दे शुड सीक फॉर हीलिंग अगर वो हीलिंग नहीं ले सकते तो एटलीस्ट दे शुड गो फॉर मेडिटेशन हीलिंग इज ऑल टुगेदर आप जो एनर्जी को इकट्ठा करके एक किसी को दे रहे हो राइट जो uh, मैं इसीलिए मतलब मैं मेडिटेशन uh, के सेशंस भी लेती हूँ तो वो यही है कि आप एक गाइड कर रहे हो किसी को दैट इज द गाइडेड मेडिटेशन या फिर गाइडेड गाइडिंग ऑफ द एनर्जी

आप जब साइकोलॉजिस्ट से मिले आपने बात करी अब जो उन्होंने आपसे कहा या जो एक्टिविटीज आपको करने को दी या जो भी एक प्रोसेस है उनका फॉलो करने के लिए उन्होंने आपसे कहा यू डोंट डू इट इट विल नॉट हेल्प यू सेकेंडली वेन यू गो टू अ डॉक्टर घुटने में दर्द है दवाई ले रहे हैं उसने दवाई लिख दी मैंने नहीं ली इट विल नॉट हेल्प मी यू गिव हीलिंग टू समबडी कॉस्मिक हीलिंग टू समबडी बी इट रेकी बी इट लामा फेरा एक ऐसा इंटेंजिबल है जो मुझे रिसीव करना नहीं आता यू नोट आई मीन मेडिसिन मैं खा सकता हूं एडवाइस मैं अपना सकता हूं ये mm -hmm. एक ऐसा इंटेंजिबल है जो आप मुझे या किसी को भी अपने पेशेंट को आप दे रहे हो और उसको रिसीव करने के लिए नहीं पता कि वो कैसे रिसीव होगा तो हाउ इज द इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू आर द वन गिविंग इट और एनी इज गिविंग इट हीलिंग समबड़ी हीलिंग उसको रिसीव करना आना चाहिए या नहीं लामा फेरा में इट्स uh, लाइक like कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन पे ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है एंड okay. जो स्पाउस है स्पाउस हमें बोल रहा है कि देर इज समथिंग नॉट गुड विद दैट पर्सन ओके ओके एंड यू प्लीज गिव हीलिंग आई जस्ट वांट टू नो का जो करेंट पिक्चर है ठीक है और आई स्टार्ट गिविंग हीलिंग उसमें वो पर्सन सामने है या नहीं है नॉट hmm. नीडेड and it works, it has worked. and if I'm saying this, तो ये experience है, है। मतलब अगर okay. आपने कहा ना कि person receive कर रहा है नहीं कर रहा है ये intangible है उसको तो पता ही नहीं उसको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा but hmm. जब हम ये एक case हुआ जिसमें हम बता रहे कि उसको तो नहीं पता कि उसको क्या मिल रहा है बट yeah. ऐसे में क्या होता है जब मेरे पास ऐसा भी केस आया था कि वेन आई वॉज गिविंग फिजिकल हीलिंग मतलब सामने ही दे रही थी तो देर वजीज नॉट लेटिंग से बीच गिर गए विदाउट एनी रीजन इट वॉज प्योरली न्यू एकदम ब्रांड न्यू थी ठीक है फिर उसके बाद आई वॉज लाइक फॉर लॉन्ग बैक आई हैव बीन डूइंग दीज मंत्र एंड चैंडिंग दैट आई फॉर गॉट ब्रेक ऑफ टेन मिनट आई अगेन सेवर दोसिजर इज एंड देन आई डिड अगेन आप ये कह सकते हो कि आ, कोई भी ये भी कहेगा कि यार आप भूल गए आपकी गलती है बट hmm. आप एबीसीडी नहीं भूलते हैं राइट तो right? hmm. so, जब एनर्जी वर्क आप करते हो तो आ, लामा फेरा में क्या होता है कि जब आप ऐसे पर्सन इज लाइंग आप पर्सन के ढाई फेरा लगाते हो okay. तो उस ढाई फेरा के टाइम पे आप इनफैक्ट उनके साथ जो पास्ट इश्यूज़ हैं या पास्ट लाइफ रिलेटेड चीजें हैं वो सब आप फील कर सकते हैं ओके। सो देर गोज पर्सन टेलिंग यू या या पर्सन इज लाइक टोटली इन अ वेरी काम मोडर आई लास्ट Person to chant the um, Lama Fera mantra. Okay. Yes. Interesting. Interesting. Um, for someone to understand or trust or mm. believe mm -hmm. in tarot and or Lama Fera, mm -hmm. do I need to believe in God? Uh, no. Do I need to be religious? No. Okay. Uh, you said something about black magic. Yes. Uh, do you believe that there are entities that exist which are non-human. Yes. Positive and negative both. Yes. यार ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में है हाँ जारी? मतलब आप देख भी सकते हो आ, अगर आप मतलब खैर मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए भी आपको आई हैव सीन विद माय नेकेड आईज कि देर आर एंटिटीज बट वो पॉजिटिव थी okay. ये मुझे पता है बिकॉज okay. uh, आप अपने साथ जब एंजल्स के साथ जब काम करते हो तो आपके मैं उस टाइम घर में अकेली थी मेरे बेटे के साथ तो uh, मेरे को डर लग रहा था लेकिन तो देर वर लाइक एंजल्स बिकॉज मी एंड माई फादर बोथ आर लाइक हाईली स्पिरिचुअल ठीक है तो हाँ ही हैज सेंट दो वो एंजल्स आपके साथ प्रोटेक्टिव रहेंगे बिकॉज कि आपको घर में अकेले डर नहीं लगेगा okay. ठीक है तो इनिशियली आई गॉट कैड कि मेरे को नहीं पता था तब बट देन अभी आप देखते भी हो तो आपको फर्क हाँ ठीक है बट hmm. हाँ मैं घर में और कोई देखता है तो हम फिर उस तरीके से बात भी नहीं करते व्हाट इज लाइक गिविंग बिलीव इट हैज गिवन मी लाइट टू माय लाइफ अ डायरेक्शन ब्यूटीफुल डायरेक्शन टू माय लाइफ लाइक आपके पास सब कुछ होल्ड करने के लिए है जो नाउ यू आर ऑन आप अगर कहीं गिर रहे हैं ठीक है जी। आपके पास रास्ता नहीं था एंड स्पिरिचुअलिटी गिव मी द होप टू होल्ड ऑन टू एंड मूव अहेड इट सीम्स लाइक इट्स अ टूल फॉर यू टू बी हैप्पी इट्स अ टूल फॉर मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आई वॉज लाइक इन डार्केस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ वेरी डाउनफॉल ऑफ माई लाइफ एंड दैट टाइम माई फादर इंट्रोड्यूस मी एंड उस टाइम तक आई वॉज वेरी वेरी रिलीजियस दो बट आपका लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं जब आप सब कुछ छोड़ देते हो सब बिलीफ भी छोड़ देते हो बट माई फादर पुस्ट मी टू डू डिफरेंट स्परिचुअलिटी कोर्सेस एंड देट हेल्प मी नॉट टू सीप इन टू द डिप्रेशन एंड फाइनली आई सीड ब्लेसिंग आउट ऑफ इट okay though it took me many years for my calling, otherwise I was doing an editorial management job and okay. a good publication house and now I've left my everything for like being on this path and I'm enjoying it okay Interesting. so um, leaving that high paid job and now working on my spiritual journey it's totally a different call what my life has given me hmm. and Do you think spirituality is different to different people? Yeah, it is. Hmm. So everybody's spirituality. And और connection with it is different. Exactly. अगर आप कहते हैं कि आप अगर भगवान को मान रहे हैं, तो वो spiritual नहीं है, वो भी spirituality का part है. Okay. Spirituality is believing in something bigger than you. Bigger than you, the higher energy, the universe. So आप या तो भगवान बोल दीजिए या आप universe बोल दीजिए या cosmic energy बोल दीजिए जो आपको positivity दे रहा है. Hmm. Or do you think our brain is such a wonderful instrument that we can actually come up with anything in our own life and make the changes in our own energies? that comes to be the manifestation. manifestation. that comes to be the manifestation. And, law and that of attraction. is a law of attraction, and that's a very beautiful topic if you really want to talk about it. let's go ahead. <laughs> i am in mean, talking about it, but point is, that, uh, mira, mm mira, -hmm. i have always been a very, very practical person in terms of, mm -hmm. in terms of आप कुछ भी पढ़ लीजिए बचपन से लेके अब तक hmm. एक चीज सेक्रेड रही है बाकी सब चीज क्वेश्चन मार्क है लाइफ एंड डेथ के अलावा okay. एक ही चीज सेक्रेड है वो ह्यूमन चॉइस hmm. जिसमें मैं बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ कि एक ही चीज है मेरे पास hmm. जो मेरा डिसीजन है दैट्स माय चॉइस राइट सो नाउ आई चूज टू डू दिस आई चूज टू वॉक आउट ऑफ दिस रूम आई चूज टू सिट ऑन दिस चेयर आई चूज टू वेकअप इन द मॉर्निंग आई चूज टू डू वट आई डू प्लीज हेयर मी आउट जब मैं वास्तु सुनता हूँ जब, mm -hmm. जब मैं एस्ट्रोलॉजी सुनता हूँ जब मैं टैरो सुनता हूँ जब मैं रेकी हीलिंग सुनता हूँ या जो मैं जब भी ये सब मैं जो भी ये लाइफ साइंसेज के बारे में सुनता हूँ mm -hmm. तब मुझे लगता है मेरी वो चॉइस भी खत्म होती जा रही है मेरे हाथ में से एंड माई लाइफ वॉज प्री रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर समवेयर एंड इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दैट इट इज इज इट इज गोइंग टू एंड लाइक दैट दैट डज नॉट एम्पावर मी इट मेक्स मी वीक इट सेज कि मेरे बस का कुछ नहीं है आई विन पुट ऑन दिस अर्थ बाय चांस आई विल लिव लाइक अ कीड़ा एंड आई विल डाई लाइक अ कीड़ा एंड दैट्स इट सो माई ईगो डज नॉट लेट मी बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स मे बी इट इज़ माई ईगो मे बी इट इज़ दैट इमेचर स्टूपिट सेल्फ दैट डज नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एंड सेज़ दैट देर इज समथिंग बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस एंड दैट इज द ह्यूमन विल मुझको लगता है कि मैं विल पावर से जग जीत सकता हूँ अपने आप को जीत सकता हूँ तो जग जीत लिया कहते हैं ना, तो विल पावर को कहीं ना कहीं मैं इन चीजों से थोड़ा सा पर्सनली ज्यादा रिमार्क्स या मार्क्स देता हूँ या जा ज्यादा प्रायोरिटी पे होल्ड करता हूँ हाउ रॉन्ग एम आई अच्छा जब आप यू आर नो ओके अब हम बात करते हैं आप इसलिए कह रहे हो ताकि <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। अब अब हम ऐसे बात करते हैं yeah. आपने विल पावर की बात करी ठीक hmm. है जब आप विल पावर की बात करते हो आपने एक बात करी कि आप इस कमरे से अभी उठ के जाना चाहो आप उठ सकते हो hmm. ठीक है आपने उस चीज को पहले इमेजिन किया वेन यू आर स्पीकिंग यू आर एक्चुअली इमेजन की मैं उठ That's के जाऊ राइट सिमिलरली आप जब विल पावर की बात कर रहे हो कि नाउ आई वॉन्ट दिस वॉट एवर

तो सही अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक कराई ना मैंने अपने घर का वास्तु चेक कराया किसी सिरे की पर्सनली शेयर वर बट एक फैमिली के साथ जितना बुरा हो सकता है मेरी फैमिली के साथ हुआ है। और मैं तीन साल उस स्ट्रगल से निकला हूँ और मुझको पता है कि उस कीचड़ से बाहर निकलने के बाद की जो रोशनी है वो सब धो देती है अब कौन से गाइडिंग एजेंट से कौन सी स्पिरिचुअलिटी थी मैंने किसी मंदिर में माथा नहीं टेका उन तीन mm -hmm. साल मैंने किसी भगवान में बिलीव नहीं किया उन तीन साल एक ही काम किया सुबह उठा और अपने काम पे गया दैट्स ऑल थिंग्स फेल इन टू प्लेस वेर वॉज इट रिटर्न दैट अ हैप्पी फैमिली गेट्स डिसरप्टेड इन अ हॉरिबल वे वॉट इज दिस साइंस आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लाइफ साइंस एट ऑल कि लॉजिक no, 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 no. कोई है ही नहीं इसके मैंने नहीं। नहीं ये तो बोला ही नहीं कि ये कहीं लिखा हुआ है कि हैप्पी फैमिली गेट इट डज राइट नहीं जाता तो मतलब की हमारे कंट्रोल में अगर हम बात करते है ना तो व्हेन समबडी जैसे आपने वो जो साइकोलॉजी वाली बात नहीं अब बोली थी इफ द पर्सन इज एटलीस्ट टेकिंग स्टेप टू कम आउट ऑफ सीकिंग फॉर हेल्प Yeah, but is a नहीं नहीं मैं, मेरे पॉइंट पे आने ठीक okay. है ना है ना तो इसी तरीके से हमारे कंट्रोल में वही है कि जब हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं mm -hmm. yeah. उसके बाद जब हम विजुअल अगर हमें कुछ एक्चुअली में लाइफ में करना है वी आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग फॉर इट नाउ वी आर कमिंग टू दी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो जब हमारी विल पावर होती है ना कि हाँ हमें कुछ करना है

बट हम उस चीज को जब विजुअलाइज करते हैं तब हम उस उसपे एक्शन ले पाते हैं ओके okay. तो इट्स दैट सिंपल और जब हम अपना गोल लेकेर कर लेते हैं हम गोल को डिजायर कर लेते हैं hmm. तो हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर मुझे हीलिंग की जरूरत कहां है मैं फिर एक्शन नहीं ले सकता हूं ना वो डिफरेंट चीज है आप समझे नहीं मैं वही बता रही हूँ कि हर किसी को हीलिंग इसलिए नीडेड है जो खुद पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है हम स्टेप ले रहे हैं बट किसी के -किस जो कर्मास हैं वो इतने मतलब आप पास्ट लाइफ के कर्मास को किस हद तक आप जान सकते हो वी आर करेक्टिंग आवर पास्ट लाइफ कर्मास इन दिस लाइफ टोटली हीलिंग ओके और इस इस लाइफ के जो हम कर रहे हैं वो वो तो आप अभी आप इतने नहीं आप सी <laughs> वो एक अलग ही साइंस है और अलग ही कांसेप्ट है yeah. कि आप अपने कर्मास को कितना अपने कर्म को कितना आप ठीक रख रहे हैं yeah. तो हीलिंग में जो आपके साथ जो कभी बुरा हो रहा है जैसे आपने बोला ना कि मेरी लाइफ में ये अच्छी खासी लाइफ चल रही थी hmm. जो हमारे पिछले कर्म है हम उनको नहीं जानते लेकिन हमें उनको वहाँ भुगतना है राइट right? तो जब वो भुगतना है उसके बाद आई टेल यू वन मोर थिंग वेरी सिंपल एंड अ वेरी इफेक्टिव थिंग किसी के साथ भी जो लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं yeah. उसके साथ बहुत सारे रिग्रेट्स भी आते हैं

this is again told by my spiritual mentor my father hmm. if you want to lead a happy and a peaceful life you have to forgive hmm. and it has to be both आपको अपने आप को भी माफ करना है सिचुएशंस hmm. को भी माफ करना है और लोगों को भी माफ करना है hmm. और हमें कोई ना माफ करे तो आपको उससे मतलब नहीं है आपने फॉरगिवनेस मांगनी है hmm. आप उनके साथ जाके लाउडली मां हे मुझे माफ कर दो ऋषभ ऐसा नहीं बोलना है hmm. अगर मुझे आपसे माफी मांगनी है आई एम सिटिंग एट माय प्लेस इन माय हार्ट आई हैव टू से प्लीज फॉरगिव मी इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस नॉट द अदर पर्संस जो हमारे पास जो नेगेटिव कर्म्स आते हैं या इविल आईज आती हैं वो हम आधी से ज्यादा फॉरगिवनेस के थ्रू ही कट कर पाते हैं ओके okay. अगर आप ये चीज लिटरली फॉलो करें तो hmm. जो हम अपने डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाते हैं अगर हम एक मंत्रा uh, डेली का फॉलो कर लें कि यू हैव टू फॉर्गिव अगर आप देखो हम कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे किसी को बोल दिया नॉर्मली हंसते हंसते भी बोल दिया कुछ भी बोल दिया तो आप सोचो कि मतलब पीपल डू आई डोंट नो अबाउट यू और अदर पर्सन बट इट हैपन्स कि यार मेरे को वो नहीं बोलना चाहिए था एट टाइम्स वी डोंट हैव दैट मच करेज टू कम गो टू दैट पर्सन कि यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए था तुमको इफ़ यू डू दैट इट्स मारवेलस

एक मेरे पास आए थे मतलब वो मेरे लाइफ सेशन में ही थे तो मतलब तो जो ये दोनों में लाइव सेशन का ही बता रही हूँ okay. जो फिजिकल सेशन में थे yeah. तो उनका ऐसा था कि वो हमारे घर आए हुए थे तो आई वॉज नॉट अवेयर कि उसका जॉब चेंज हुआ है वट एवर दिन इज तो बट मेरे को uh, मतलब उन्होंने नहीं बताया था बट कार्ड्स uh, जब ओपन हुए तो आई फेल्ट समथिंग नेगेटिव बट ही वॉज लाइक हमारे नोन में थे okay. अब नेगेटिव है तो आप थोड़ा एप्रिहेंसिव हो जाते हो कि अपने नोन को कैसे आप बताओगे कि यार yeah. ये तो थोड़ा मतलब यार मैं तेरे पास ये थोड़ी सुनने आया था राइट आई गॉट साइलेंट तो ही तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तू बोल दो कोई बात नहीं जो भी है ऐसे hmm. कि राइट नाउ यू आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट फेज और आपकी जॉब चेंज हुई है बट थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू एक्सपेक्टेड तो आपने उनकी करंट सिचुएशन उनको बताई उनकी करंट सिचुएशन विदाउट हिम टेलिंग हां तो ही सेड यार पता है एक्चुअली मैं आया मैं था मैं दो पंडितों के पास मिल के आ रहा हूं तो आई वाज लाइक ओके देन आई मतलब ठीक है उसको पंडितों ने क्या सॉल्यूशन दिया नहीं दिया आई डिडंट आस्क देन आई गिव हिम अ लॉजिकल गाइडेंस ओवर देयर विद द काज कि हाउ यू शुड मतलब आप इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हो लॉजिकली ओके ठीक है कि मतलब जो काज आपको बता रहे हैं आप इस चीज़ को कैसे फॉलो करोगे तो आप अब मैं ये नहीं कहूंगी ना कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप मेरे को ब्लेम करोगे दैट्स नॉट माई फॉल्ट ठीक है ऐसे ही केस था देर वॉज अ लेडी ऑन उन्होंने हाउस शिफ्ट करना था शी वॉज ऑन अ रेंट तो मेरे पास आई थी वो तो बट उनके लाइफ के और इशूज थे दिस इज वन ऑफ द विच इज लाइक रियली फैन ऑफ मी हाँ तो उन्होंने हाउस हाँ शिफ्ट कर लिया अब वो बहुत डरी हुई थी कि या एक्चुअली मैं दोबारा शिफ्टिंग नहीं कर पाऊंगी मेरे और भी इश्यूज हैं तो बट मेरे को वही पंडितों के पास पहले जाते हैं हमारे पास एक ठीक है यार यार तारों भी करा लेते हैं ऐसे वाला सीन था okay. क्योंकि शी वॉज लिविंग नियर बाय बट शी वॉज लाइक सम बडी तो मेरे पास आई थी

मतलब ऐसे वो लाइक मोर इंटू की ठीक है यार अब भी भी सीखना है है ये करना तो में एक तो मैंने आपको वही बताया एक वो एंटिटी वाला जो बताया था कि तो कई बार क्या होता है जब आप ब्लैक मैजिक के साथ डील करते हो तो आपको वो एंटिटी काम नहीं करने देती है they're, they're gives you a like, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स मिलेंगे इनिशियली okay. तो दैट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर है लेडी कि उनकी लेडी पे था तो जो हस्बैंड थे वो हमें कॉल मतलब एक्चुअली उन्होंने पहले हीलिंग ले ली थी बट ऑन एंड ऑफ उनके साथ चीजें फिर भी बिगड़ रही थी hmm. तो मतलब वो सेटल हो जाता था बट फिर वो वापस आ जाता था okay. दैट फिर फाइनली जब उस दिन उनको हमने विद बंधन मोक्ष क्रिया ही करने को कहा और तो फाइनली उस मतलब पहले हमने वो क्लियरेंस किया जो मंत्रास के साथ उनको शांत किया और फाइनली फिर उनको हमने बंधन मोक्ष किया कराया कि वो, वो पूरा कर्मास को क्लियर करने का है बट ऐसा भी एक है केसेस जहाँ पे आप हर किसी के कर्मास में नहीं घुस सकते okay. आप को इनर कॉलिंग होएगी कि यहाँ आपको नहीं करना है अच्छा That is also a case. ये और जो लोग हम बात कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले एंटिटीज जो होते हुँ. तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको यहाँ पे नहीं छेड़ना है आप उनके कर्मा में नहीं हार डालेंगे okay. तो फिर आप ही माफी मांग के पीछे हो जाते हो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में होती है कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं तो वहां पे आप जैसे आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई कि कई लोग जो मेरे पास आते हैं उनकी मैं पहले अगर कई लोग तो ठीक है बहुत ज्यादा नाइव होते हैं बच्चे होते हैं वो लोग बोलेंगे हमारे को मेरा एक्स बैग चाहिए ठीक है तो नहीं, वो सब नहीं प्लीज ठीक yeah. है ना बट दिस इज लाइक पीपल गेट इट डन की हीलिंग करा दो सो आई ही प्लीज

न्यूमरोलॉजी um, भी है फेस रीडिंग भी है फेस रीडिंग भी है हमस्ट्री भी है रेकी uh, हीलिंग है लामा फेरा हीलिंग है टैरो कार्ड्स हैं रियोन कार्ड्स रियोन्स भी होती है रियोन्स रीडिंग भी होती है मैंने कभी नहीं सुना ये भी है और uh, मैं रियोन्स भी करती हूं सो दैट इज अगेन समथिंग देयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है मेडिटेशन इज वन एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर स्पिरिचुअलिटी व्हिच इज अ कंप्लीटली सेपरेट होल एवेन्यू पीपल लिंक रिलीजियस uh, होना भी है और uh, क्या गॉड वो, uh, 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 वो भी happy, balanced, yourself, फिर इन सब किसी की नहीं पड़ेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही पे काम कर रहे हैं आपको, आपको पता हो या ना पता हो अब मैं इस पे एक एग्जाम्पल दू आपको mm. मेरी लाइफ का लाइव एग्जाम्पल मैं फिजियोथेरेपिस्ट टू मास्टर्स मैं फोर्टस में जॉब कर रही थी मैं तब ऐसे बस से जाती थी ठीक है बट माई सिस्टर इज़ एन ऑडिटिंग लाइन और वो अ ऑडिटर तो वो तो ऐसे डेस्क जॉब करती थी मैं ऐसे हो गई कि यार मेरे से नहीं होता ये रोज रोज़ पेशेंट जैसे थकान वाला काम मुझे yeah. तो डेस्क जॉब ही चाहिए एंड yeah. जो मेरा रास्ता था ना वहाँ पे एक ऐसे रास्ता पड़ता था तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आके पता नहीं क्यों मुझे वो बात याद आती थी और मैं हमेशा वही इमेजिन करती थी मुझे वो डेस्क टॉप चाहिए अब थेरेपिस्ट, yeah. months, उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई जो मेरे एच थे मास्टर्स के कविता तो तुमको ये जॉब करनी है एंड दैट वॉज द जॉब आई वॉज टॉकिंग मैंने वह दस साल एज अ a... hmm.

अब hmm. uh, uh, मैं इसके लिए लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव जाके बताऊंगी hmm. कि खैर इसमें भी मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस है hmm. मुझे सुनने का बड़ा वो था कि लोग बड़ा ठीक है लेकिन बिकॉज ऑफ माई दिसक जैसे आपने कहा ना बैट जो हम मैनिफेस्ट करते हैं hmm. तो दैट वॉज कि हाँ तो मेरे पास उसका भी एग्जाम्पल है ठीक hmm. है लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सा ट्राई मतलब एक जो मैं डेली फॉलो करती हूँ कि मेरे को अगर कार की पार्किंग चाहिए बिजी पार्किंग रोड है सब कुछ बिजी एज आज जस्ट माइकल की मेरे को वहाँ पे ही पार्किंग चाहिए एंड आई डू गट एंड दैट्स लाइक एवरी टाइम एंड यू नो आज मैं आपके यहाँ पे आ रही थी ना आपने हमें बताया नहीं यहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं नंबर नहीं कुछ नहीं था वी वर एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट

मतलब नेम्स फॉर योर गार्डन यस ओके ऑल ऑफ देम हैव नेम्स आर यू गिवन देम नेम्स कैसे नो 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 उनके नाम है ऑलरेडी सो मतलब जिनके साथ हम मैं सबसे ज्यादा काम करती हूं वो माइकल एंजल हैं कि हां ठीक है मेरे को कुछ भी ऐसे है तो हाउ मेनी एंजल्स आर देयर टू मेनी टू मेनी ओके इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग uh kavita thank you so much oh thank you so much it for was, having me it was uh, an intriguing and यूनिकॉर्ट ऑफ अन्वर्सेशन आईड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर कविता यू कैन ई मेल मी एट द स्पेसिफिक आस्क एट जी मेल डॉट कॉम यू कैन फॉलो मी एट द स्पेसिफिक आस्क ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन मैसेज मी देयर डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करना है तो मैं कविता की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हमारे जितने भी रील्स होंगी वी विल टैक हर देयर ऑन इंस्टाग्राम सो यू कैन रीच आउट टू हर डायरेक्टली थैंक यू फॉर लिसनिंग इन हैव अ ग्रेटर